गुजरात में आज बनासकांठा कांकरेज तालुका के मुख्यालय सिहोरी से सरदार पटेल डिपो में खाद लेने के लिए किसान हाथ पांव मार रहे हैं। बता दें कि कृषि उत्पादन के लिए खाद की कमी से किसान नाराज। तब किसानों ने कहा, कल आए तो खाद नहीं मिली और अब हमारे पास सिर्फ दो खादी की थैली है जिसमें आवंटित की जाती है। गुजरात सरकार की ओर से किसानों के लिए तत्काल खाद की पर्याप्त व्यवस्था करने की मांग उठाई गई। अब सर्दियों की फसलों के लिए विशेष रूप से तंबाकू, आलू, गेहूं और जीरा के साथ साथ राई की फसल के लिए उर्वरक की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में जब किसान को खाद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, तो कुछ समय पहले रेलवे के द्वारा बनासकांठा जिले के दिशा रेलवे ट्रक पर भारी मात्रा में खाद उतारी गई थी। लेकिन सवाल ये भी है कि खाद कहाँ गई और किसानों को बांटी गई और किसको बांटी गई। किसानों को तो उम्मीद है कि सिस्टम किसानों के लिए खाद की कमी को पूरा करने में सक्षम होगा। उन्हें क्या आवंटित किया गया है और किसानों को पर्याप्त खाद मिलेगी। इंडिया आज तक लाइव टीवी के लिए अमर यादव की खास रिपोर्ट। खाली लखाई लू सके खाली लखाई लू खाली खाता नहीं।